वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ का ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है कि 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इसकल टू 1 और 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई इसकल टू माइनस 3/4। इस क्वेश्चन का हल इस प्रकार होगा कि माना 1/3x प्लस वाई इसकल टू पी और 1/3x माइनस वाई इजकल टू क्यू है। यहाँ पर आप ए और बी भी मान सकते हैं। तो प्लस क्यू इजकल टू माइनस 1 ये समीकरण एक होगा और पी माइनस 2q इजकल टू माइनस 3/4 समीकरण दो। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा इसका हल करेंगे। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 4 होगा 4p प्लस 2q और इसकल टू 2। समीकरण नंबर 3 फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर ये इंटू में होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ होगा 4p माइनस 4 × 8q और इसकल टू माइनस 3। ये समीकरण नंबर 4 और समीकरण 3 और 4 से 4p प्लस 2q इसकल टू 2 और 4p माइनस 8q इजकल टू माइनस 3। फिर सबट्रैक्ट में इसका चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस कट जाएगा और प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये 10q हो जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। फिर क्यू इजकल टू 5/10 होगा तो जब 5 से 10 को काटेंगे तो 1/2 होगा, क्यू इजकल टू 1/2। और क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर इसका समीकरण 3 या 4 किसी में रख सकते हैं तो समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर तो समीकरण 3 4p प्लस 2 और क्यू का मान 1/2 इजकल टू 2 4p और फिर इसका गुणा होगा तो 2/2 होगा इसकल टू 2। अब यहाँ गुणा में है तो यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हैं, केवल 1 बचेगा। ठीक है, 4p फिर 4p इसकल टू 2 − 2/2 4p इसकल टू फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 − 2/2 होगा। 2 से जब काटेंगे तो 4p इसकल टू 1 बचेगा और 4 जब इधर आएगा 1/4 होगा। ठीक है, फिर 1/3x प्लस वाई इजकल टू पी है तो फिर पी का मान यहाँ रखेंगे तो 1/3x प्लस वाई इजकल टू 1/4 और फिर 3x प्लस वाई इजकल टू 4। ये समीकरण नंबर 5 और फिर यहाँ रखेंगे 1/3x माइनस वाई इजकल टू क्यू है तो फिर 1/3x माइनस वाई इजकल टू क्यू का मान रखेंगे तो 1/2 और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 3x माइनस वाई इजकल टू 2। समीकरण नंबर 6 और फिर इसको भी हल विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 5 और 6 से तो 3x प्लस वाई इजकल टू 4 और 3x माइनस वाई इजकल टू 2 ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 6x इजकल टू 6 होगा। एड यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि एड में चिन्ह नहीं बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6x इजकल टू 6 और x इजकल टू 1 हो जाएगा क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। फिर x इजकल टू 1 आ गया तो समीकरण 5 या 6 किसी में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा तो यहाँ रखेंगे 3 × x का मान 1 + y इजकल टू 4 फिर 3 + y इजकल टू 4 y इजकल टू 4 − 3 y इजकल टू 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।